हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द द थर्ड लेक्चर ऑन टॉपिक फाइनल अकाउंट और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट हम लोग लेजर जर्नल ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट ये सारे ही टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो लेक्चर देख भी लिए होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हम सबसे पहले आज देखेंगे बैलेंस शीट बैलेंस शीट क्या होती है बैलेंस शीट का पर्पस क्या है फॉर्मेट क्या है बैलेंस शीट के फीचर्स क्या क्या है मार्शलिंग एंड ग्रुपिंग दो वर्ड यूज किए जाते हैं इसका क्या मतलब होता है और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग फाइनल फाइनल अकाउंट अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने होते हैं जब हम नोमेरिकल करते हैं तो और उसके बाद आपको एक नोमेरिकल कराऊंगी जिसमें हमें ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और हमें ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होगा राइट right? और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो अपने मैं चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ मेरे चैनल पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन सारे सब्जेक्ट की सीक्वेंस में लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है जो मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड मेरिकल पढ़ाया है तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है और एक बार मेरे चैनल पे जाके जरूर चेक करिए और एक और रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो लेक्चर्स को अपने तक ही मत रखिएगा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव नेबर जो कोई भी कॉमर्स स्ट्रीम का हो उसके साथ जरूर शेयर करिएगा और अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस राइट तो फिर चलिए अब हम अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट क्या होती है तो बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट बैलेंस शीट क्या है ये एक स्टेटमेंट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को एट अ सर्टेन डेट एट अ पर्टिकुलर डेट ठीक है किसी पर्टिकुलर तारीख को जनरली फाइनेंशियल ईयर के एंड पे या या सेमी एनुअली ठीक है किसी क्वार्टर के एंड में ऑर्गेनाइजेशन के कितने एसेट थे कौन कौन से एसेट थे कौन कौन सी लाइबिलिटीज थी उनको सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करके एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट ठीक है तो बैलेंस शीट क्या है बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट विच अ फर्म एट अ पर्टिकुलर डेट किसी पर्टिकुलर तारीख पर फाइनेंशियल ईयर के एंड में ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट एंड लाइबिलिटी है इनको सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करके जो स्टेटमेंट बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट इसको बैलेंस शीट कहते हैं ठीक है एक खास बात है बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर तारीख की होती है अभी तक हमने पीएल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था वो क्या था एक ड्यूरेशन का था एक पीरियड का था ठीक है आपने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर हम क्या लिखते थे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 या जो कोई भी है जिस भी पीरियड के एंड में हम बना रहे हैं हम पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट लेकिन ये जो बैलेंस शीट है अभी जब मैं फॉर्मेट बताऊंगी तो मैं बताऊंगी बैलेंस शीट के ऊपर लिखते हैं एज एट यानी उस तारीख को एज एट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन या जिस भी ईयर का है ठीक है तो इस पर्टिकुलर तारीख में ऑर्गेनाइजेशन के क्या एसेट्स हैं क्या लाइबिलिटी है ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है और दूसरी खास बात है कि बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट बैलेंस शीट स्टेटमेंट है इट इज नॉट एन अकाउंट ये अकाउंट नहीं है देखिए ट्रेडिंग अकाउंट वॉज एन अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट क्या था अकाउंट था डेबिट साइड था क्रेडिट साइड था ठीक है डबल इंट्री सिस्टम फॉलो करते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट अकाउंट था पीएल अकाउंट अकाउंट है ठीक है ट्रायल बैलेंस हमने बनाया था ना ट्रायल बैलेंस वो क्या था स्टेटमेंट था ट्रायल बैलेंस वॉज एन स्टेटमेंट उसी की तरफ बैलेंस शीट इज ऑल्सो एन स्टेटमेंट ठीक है यहाँ कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है तो बैलेंस शीट हुआ ट्रायल बैलेंस हुआ ये क्या है स्टेटमेंट है जबकि ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट वो क्या है वो अकाउंट्स है ठीक है तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा इसीलिए लिखा गया है कि इट इज एन स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट है ठीक और अब बैलेंस शीट से पता क्या चलता है बैलेंस शीट क्या शो करती है तो बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बैलेंस शीट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है एट अ गिवन टाइम ऑन अ पर्टिकुलर डेट ठीक है उस पर्टिकुलर तारीख को ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजिशन क्या थी ये हमें बैलेंस शीट से पता चलता है ठीक है हम अभी मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताऊंगी तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड रिकॉर्ड करते हैं लाइबिलिटी राइट हैंड साइड रिकॉर्ड करते हैं एसेट ठीक है एसेट जितना ज्यादा होता है लाइबिलिटी से वही लिखा है मैंने यहाँ पे एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटी एक्सेस ऑफ एसेट ओवर आउटसाइड लाइबिलिटी ठीक है ये आउटसाइड लाइबिलिटी है एक्सेस ऑफ एसेट ओवर आउटसाइड लाइबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल इसको हम कैपिटल कहते हैं ठीक है एंड कैपिटल क्या इंडिकेट करता है इट इंडिकेट द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द कंपनी ठीक अच्छा ये आपने कहां पे पढ़ा था कुछ याद आ रहा है एक्सेस ऑफ एसेट ओवर ये जो लाइन है एक्सेस ऑफ एसेट ओवर आउटसाइड लाइबिलिटी ये कहीं पढ़ा था आपने पहले हाँ ये मैंने पढ़ाया है अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन यही तो है एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल यही तो है अकाउंटिंग इक्वेशन ठीक है तो वही लिखा है एक्सेस ऑफ एसेट ओवर आउटसाइड लाइबिलिटी इज द कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो कैपिटल होता है ठीक है और यही है अकाउंटिंग इक्वेशन इस पर मेरी एक सेपरेट वीडियो है आप एक बार वहां मैंने डिटेल में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया है आप देख सकते हैं ठीक है थीके? तो जितना एसेट ज्यादा होता है आउटसाइड लाइबिलिटी से उसको हम कैपिटल कहते हैं कैपिटल से ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल साउंडनेस पता चलती है ठीक है और ये जो बैलेंस शीट है इट इज प्रिपेयर फ्रॉम रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट बैलेंस शीट में हम रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं ये खास बात है मैंने बताया था अकाउंट तीन टाइप के होते हैं कौन कौन से रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट जो खर्चे और इनकम से रिलेटेड होते हैं ठीक है इनको हम कहा रिकॉर्ड करते हैं पीएल अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और जो रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट है इनको कहा रिकॉर्ड करते हैं इनको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं तो ये खास बात है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ दोज लेजर अकाउंट आर नॉट बाय ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट वो लेजर अकाउंट जिनका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जिनको बैलेंस करके ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर किया गया उन सबको कहा रिकॉर्ड किया जाता है उनको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि पर्पज क्या होता है बैलेंस शीट का बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है क्या पर्पज है क्या ऑब्जेक्टिव है क्या जरूरत है बैलेंस शीट बनाने की तो काफी पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हो गए हैं थोड़े और पॉइंट है मैं बता देती जल्दी से तो बैलेंस शीट बनाने का सबसे पहला पर्पज है कि हमें पता पता चलता है 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 कि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल फाइनेंशियल जो भी बिजनेस उसकी पता चलती एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑन अ पर्टिकुलर डेट एक पर्टिकुलर तारीख को ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजिशन क्या है वो पता चलता है दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दूसरी इंपॉर्टेंट जो बैलेंस शीट बनाने की है कि बैलेंस शीट से हमें पता चलता है अमाउंट ऑफ एसेट्स अंडर अ अंडर द पर्टिकुलर हेड यानी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन के कितने एसेट्स हैं और उनकी वैल्यू क्या है ठीक है क्योंकि बैलेंस शीट में हम जितने भी एसेट्स हैं उनको हम सिस्टमैटिक वे में पर्टिकुलर हेड्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं ठीक है जैसे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी करंट एसेट हैं उनको करंट एसेट के हेड में रिकॉर्ड करते हैं करंट एसेट मतलब जैसे कैश इन हैंड हुआ कैश एट बैंक हुआ डेटर्स हुए इन्वेंट्री हुई ठीक है तो वो हम करंट एसेट में रिकॉर्ड करते हैं फिक्स एसेट में जैसे मशीनरी लैंड हुआ ठीक है ये सब हम फिक्स एसेट में रिकॉर्ड करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर हेड के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के कितने एसेट हैं ये सब हमें डिटेल में पता चलता है बैलेंस शीट से राइट तीसरी इम्पोर्टेंस क्या है जैसे हमें एसेट के बारे में पता चलता है वैसे ही हमें लाइबिलिटीज के भी बारे में पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन की कितनी लाइबिलिटीज हैं कितनी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं कितनी प्रोपराइटर ने कितना पैसा ऑर्गेनाइजेशन में डाला है ठीक है तो उसके बारे में भी डिटेल में हमें पता चलता है बैलेंस शीट से ठीक थर्ड इंपोर्टेंस फोर्थ इंपॉर्टेंस बैलेंस शीट की क्या है बेस फॉर द ओपनिंग एंट्री ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर बैलेंस शीट एक बेस की तरह काम करता है फॉर द ओपनिंग एंट्री ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर अगला जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा उसके ओपनिंग एंट्री करनी होगी कौन कौन से एसेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास ठीक है ओपनिंग एंट्री करनी होगी तो उसके लिए बैलेंस शीट जो होती है प्रीवियस पीरियड की दिस एक्ट एज अ बेस वो एक बेस की तरह काम करता है ठीक अगली और इम्पॉर्टेंट एक और इंपॉर्टेंट यूजफुलनेस बैलेंस शीट की यह है कि बैलेंस शीट से यह पता चलता है कि वेदर द फर्म इज सॉल्वेंट और नॉट ये जो फर्म है ये सॉल्वेंट है कि नहीं है सॉल्वेंट मतलब कि फर्म एबल है अपने ऑब्लिगेशन को पे करने में कि नहीं पे करने में नहीं पे कर पाएगी ये हमें बैलेंस शीट से पता चलता है ठीक है तो वही है फर्म सॉल्वेंट है कि नहीं सॉल्वेंट है ये हमें बैलेंस शीट से पता चलता है ठीक है तो दीज वेयर द फ्यू ऑफ बैलेंस बैलेंस शीट शीट ये कुछ पर्पस थे नीड थी शीट की चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है तो सबसे ऊपर आप लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ पर्टिकुलर कंपनी जो भी पर्टिकुलर एक्स एक्स कम, एक्स फर्म है जो भी बिजनेस है और उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे एज एट किस तारीख को बना रहे हैं बैलेंस शीट थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ पर्टिकुलर ईयर जो भी ईयर है जैसे यहाँ पे अगर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन है तो यहाँ पे लिखेंगे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो बैलेंस शीट ऑफ यहाँ पे जो भी फर्म का नाम है वो लिखेंगे एज एट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ठीक चार कॉलम होंगे लेफ्ट हैंड साइड रिकॉर्ड करते हैं लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट ये चार कॉलम होंगे ठीक है लेफ्ट हैंड साइड रिकॉर्ड करते हैं लाइबिलिटी इधर एसेट और इधर कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है ठीक है तो लाइबिलिटी एंड एसेट अब लाइबिलिटी साइड में ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइबिलिटीज हैं जैसे सेंडरी क्रेटर हुआ बिल पे हुआ बैंक ओवर ड्राफ्ट हुआ ठीक है ई पी एफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हुआ लोन या एडवांसेज उसका क्रेडिट बैलेंस ठीक है रिजर्व एंड रिजर्व फंड है ठीक है ये सब आप इधर रिकॉर्ड करेंगे ये सब क्या हुआ ये सब हुआ आउटसाइड लाइबिलिटी ठीक है बाहर की लाइबिलिटी फिर उसके बाद जो ओनर ने अपने बिजनेस में जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है ठीक है ये क्या हुआ ये इनसाइड लाइबिलिटी हुआ ठीक है फर्म के फर्म uh, की इनसाइड साइड लाइबिलिटी तो उसके बाद ये रिकॉर्ड की जाती है हम रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ रहा है तो उसे ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं और अगर कुछ ड्रॉइंग है इनकम टैक्स है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है नेट लॉसेस है तो इनको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं ठीक है थीके? फिर नेट में जो कैपिटल आता है फिर उसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है तो ये हो गया आउटसाइड ये हो गया इन साइड ये हो गया आउटसाइड लाइबिलिटी तो ये हुआ पूरा लाइबिलिटी का कॉलम और फिर इसके बाद यहाँ पे टोटल कर दिया जाता है ठीक अब आ जाइए एसेट साइड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एसेट्स हैं जैसे कैश इन हैंड कैश एट बैंक बिल लोन या एडवांसेस का डेबिट बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक लूज टूल इन्वेस्टमेंट फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग बिजनेस प्रमाइस पेटेंट कॉपीराइट गुडविल ट्रेडमार्क ये सारी चीजें क्या है एसेट है ऑर्गेनाइजेशन के इन सबको जो जो आपको क्वेश्चन में दिया गया इन सबको आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे करेंगे टोटल एंड दिस टोटल शुड बीवल जो टोटल एसेट है वो टोटल लाइबिलिटी के क्या होना चाहिए बराबर आना चाहिए अगर बराबर आ गया मतलब आपने कोई गलती नहीं की है आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई है आपने सही किया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं बैलेंस शीट के कुछ फीचर्स सबसे पहला फीचर है इसमें कुछ फीचर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ सबसे पहला फीचर क्या है बैलेंस शीट पर्टिकुलर डेट को बनता है ये ड्यूरेशन का नहीं होता पर्टिकुलर पीरियड का नहीं होता जैसे ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट होता था ये पर्टिकुलर तारीख का होता है ठीक है ऐसे ट्रायल बैलेंस भी जो था ना वो पर्टिकुलर डेट का था ठीक है दिस इज द फर्स्ट फीचर अगला फीचर क्या है कि बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता था चलिए रिवाइज कर लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ठीक है फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को कहा रिकॉर्ड करते थे पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे फिर पीएल अकाउंट से क्या निकलता था नेट प्रॉफिट नेट लॉस फिर उसको हम कहा रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में ठीक है तो बैलेंस शीट बनाने से पहले पीएल अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना जरूरी है ठीक अगला जो फीचर है वो ये है कि बैलेंस शीट से ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है अगला फीचर है जो मैं बता चुकी हूँ कि बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट इट इज एन स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी एसेट एंड लाइबिलिटीज को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करने का एक स्टेटमेंट है बैलेंस शीट ठीक है इट इज नॉट एन अकाउंट इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है ये अकाउंट नहीं है अगला जो फीचर है दैट इज वे माई पेन अगला जो फीचर है वो ये है कि टोटल ऑफ एसेट साइड मस्ट बी इक्वल टू लाइबिलिटी साइड एसेट और लाइबिलिटी बराबर होनी चाहिए ठीक है मैच करनी चाहिए अगर नहीं मैच हो रही मतलब कुछ एरर है ठीक है तो दीज द फ्यू फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट चलिए आगे देखते हैं दो टर्म यूज होते हैं ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ये क्या होते हैं ठीक है तो ग्रुपिंग बेसिकली क्या होता है जो भी आइटम्स होते हैं बैलेंस शीट के ठीक है वो आइटम जो सिमिलर नेचर के हो एक जैसे हो उनको एक पर्टिकुलर एक कॉमन अकाउंटिंग हेड के अंदर जो रिकॉर्ड किया जाता है दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग ठीक एक बार फिर से बता रही हूं जो भी आइटम है बैलेंस शीट के जो सिमिलर नेचर के हैं उनको एक पर्टिकुलर हेड के अंदर में रिकॉर्ड किया जाता है जिसको कहते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रुपिंग जैसे एग्जाम्पल के लिए करेंट एसेट ठीक है एसेट साइड में करंट एसेट जैसे हैं तो करंट एसेट के जितने आइटम्स आते हैं जैसे कैश इन हैंड कैश एट बैंक इन्वेंट्री हुआ और डेटर्स हुआ ये जितने भी आइटम है ये करंट एसेट के हेड में आते हैं क्योंकि ये आइटम सिमिलर नेचर के हैं तो हमने इनको ग्रुप कर दिया ठीक है दिस इज करंट एसेट फिर उसके बाद एसेट साइड में एक आता है फिक्स एसेट तो जितने आइटम फिक्स एसेट नेचर के टाइप के हैं वो इस हेड के अंडर में रिकॉर्ड किए जाते हैं तो हमने क्या कर दिया ग्रुपिंग कर दिया तो दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग फिर उसके बाद एक वर्ड और यूज होता है बैलेंस शीट से रिलेटेड दैट इज मार्शलिंग मार्शलिंग क्या होता है मार्शलिंग मतलब अरेंजमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी इन द पर्टिकुलर ऑर्डर जो भी एसेट और लाइबिलिटीज आप बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है तो उसी को कहा जाता है मार्शलिंग ठीक है मार्शलिंग क्या होता है ये वर्ड इवन मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने ये देखा था मैंने जो एमसीक्यू uh, की सीरीज है उसमें एक क्वेश्चन था कि मार्शलिंग टर्म किससे रिलेटेड है ट्रेडिंग अकाउंट पीएल बैलेंस शीट किस से रिलेटेड है? है तो ये जो वर्ड है मार्शलिंग दिस इज रिलेटेड विद बैलेंस शीट मार्शलिंग मतलब क्या होता है जो भी एसेट एंड लाइबिलिटीज है बैलेंस शीट की जो भी एसेट एंड लाइबिलिटीज है उनको पर्टिकुलर ऑर्डर में जो अरेज किया जाता है दिस इज कॉल्ड मार्शलिंग ठीक और ये जो एसेट एंड लाइबिलिटी जो हम अरेंज करते हैं इनको दो ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं पहला क्या है इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी या तो लिक्विडिटी के ऑर्डर में या फिर परमानेंस के ऑर्डर में ठीक है तो ये दो ऑर्डर होते हैं जिस ऑर्डर में हम एसेट और लाइबिलिटीज को अरेंज कर सकते हैं पहला है इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी अगर हम लिक्विडिटी के ऑर्डर में एसेट और लाइबिलिटीज को अरेंज करते हैं तो जो ज्यादा लिक्विड एसेट्स हैं ठीक है एसेट साइड में जो मोर लिक्विड एसेट्स हैं यानी मोर लिक्विड एसेट मतलब करंट एसेट है उनको हम पहले रिकॉर्ड करते हैं ठीक है और जो लेस लिक्विड एसेट है मतलब फिक्स एसेट जो है उन्हें बाद में रिकॉर्ड करते हैं अगर हम लिक्विडिटी के ऑर्डर में रिकॉर्ड कर रहे हैं ठीक है और ऐसी लाइबिलिटी साइड में जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है उन्हें पहले रिकॉर्ड करते हैं और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को बाद में रिकॉर्ड करते हैं ठीक अगर हम लिक्विडिटी के ऑर्डर में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लिक्विडिटी के ऑर्डर में अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारी बैलेंस शीट कुछ ऐसी बनेगी देखिए एसेट साइड में क्या है पहले हमने करंट एसेट रिकॉर्ड किया है ठीक है करंट एसेट मतलब कैश इन हैंड कैश एट बैंक बिल रिसीवेबल डेटर क्लोजिंग स्टॉक ये सब करंट एसेट है इनको पहले रिकॉर्ड किया फिर उसके बाद हमने फिक्स एसेट रिकॉर्ड किए ठीक है ये करंट एसेट एसेट रिकॉर्ड रिकॉर्ड किए किए फिर ऐसी अगर मैं लाइबिलिटी साइड में बात करूं तो हमने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पहले रिकॉर्ड की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पहले रिकॉर्ड की और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो है वो हमने बाद में रिकॉर्ड की ठीक है तो अगर हम इन आइटम्स को लिक्विडिटी के हिसाब से अरेंज करें तो बैलेंस शीट कुछ ऐसे बनेगी ठीक है और अगर हम दूसरा ऑर्डर क्या है दूसरा तरीका है इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस यानी परमानेंस के बेसिस पे यानी वो जो एसेट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कितना परमानेंटली यूज हो रहे हैं ठीक है वही मैंने यहाँ पे लिखा है द एसेट्स विच आर टू बी यूज परमानेंटली यानी वो एसेट जो ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंटली यूज होंगे जो बेचने के परपज से नहीं रखे गए हैं उनको पहले रिकॉर्ड किया जाएगा ठीक है जस्ट अपोजिट पहले वाले का जस्ट अपोजिट परमानेंस में जो परमानेंट एसेट्स है उन्हें पहले रिकॉर्ड करो और लिक्विड एसेट्स को बाद में रिकॉर्ड किया जाता है और ऐसी लाइबिलिटी में वो लाइबिलिटी जो परमानेंट है बिजनेस में लंबे समय तक जाने वाली है जैसे कैपिटल है ठीक है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है उसको हम पहले रिकॉर्ड करेंगे और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को बाद में रिकॉर्ड करेंगे ठीक है तो जैसे आपने बैलेंस शीट बनाई थी पिछली एकदम जस्ट अपोजिट होगा यहाँ पे देखिए फिक्स एसेट पहले रिकॉर्ड करेंगे करंट एसेट बाद में रिकॉर्ड करेंगे ऐसे ही यहाँ पे कैपिटल पहले रिकॉर्ड किया फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बाद में रिकॉर्ड किया तो ये दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट वेन आइटम्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस अगर परमानेंस के बेसिस पे आइटम को अरेंज करेंगे तो ऐसे बैलेंस शीट बनेगी ठीक है वैसे जनरली जो होता है लिक्विडिटी के बेसिस पे ही आइटम्स को हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में बट आपको पता दोनों होना चाहिए ठीक है एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है ठीक है तो चलिए हमने पढ़ लिया ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बैलेंस शीट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा तो फाइनल अकाउंट क्या होता है फाइनल अकाउंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ या कलेक्शन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट प्लस पीएल अकाउंट प्लस फाइनल अकाउंट चलिए अब मैं उम्मीद करती हूं आपको पूरा समझ में आ गया होगा फाइनल अकाउंट हम ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ लिया हमने पीएल अकाउंट पढ़ लिया हमने बैलेंस शीट पढ़ ली चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी फाइनल अकाउंट से रिलेटेड सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड है, है ताकि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सके और वो कैसे पता चलेगी जब डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो हमने रिकॉर्ड किए हैं वो अगर मैच हो गए यानी जो हमने जर्नल बनाया लेजर बनाया वो क्या है वो सही है ठीक है वो अर्थमेटिकली करेक्ट है ठीक है उसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ये हमें ट्रायल बैलेंस से पता चलता है बट अगर ट्रायल बैलेंस नहीं मैच हुआ तो ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो बहुत अच्छी बात है यानी सही है बट अगर ट्रायल बैलेंस नहीं मैच हुआ तो क्या होगा तो ट्रायल बैलेंस अगर नहीं मैच होता है तो जो भी डिफरेंस है डेबिट बैलेंस का और क्रेडिट बैलेंस का जो भी डिफरेंस है इसको हम रिकॉर्ड करते हैं अंडर द हेड सस्पेंस अकाउंट इसको हम सस्पेंस अकाउंट जो है उसके अंडर में रिकॉर्ड करते हैं जो भी डिफरेंस आता है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का जो भी डिफरेंस है उसे सस्पेंस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और सस्पेंस अकाउंट किस साइड रिकॉर्ड करेंगे इसका अमाउंट किस साइड रखेंगे जिस तरफ अमाउंट कम है ठीक है ताकि दोनों डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल हो जाए ठीक है और ये जो सस्पेंस अकाउंट है यानी सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है ना तो उसी के अकॉर्डिंग फिर सस्पेंस अकाउंट को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड अकॉर्डिंगली हम रिकॉर्ड करते हैं ठीक है तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ट्रायल बैलेंस ये ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो बहुत अच्छी बात बट नहीं मैच हुआ तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं सस्पेंस अकाउंट सस्पेंस अकाउंट में हम डिफरेंस डालते हैं ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ कि जो आइटम हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं या ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम आते हैं वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे या पीएल में रिकॉर्ड होंगे या बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होते हैं ठीक है जो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और जो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट के आउटसाइड हम अपियर होते हैं ठीक है वो आइटम जो ट्रेडिंग अकाउंट के बाहर रिकॉर्ड किए जाते हैं ठीक है वो आइटम खास बात है ये पॉइंट वो आइटम दो जगह रिकॉर्ड किए जाते हैं देखिए मैंने लिखा है आइटम अपियरिंग आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस वो आइटम जो ट्रायल बैलेंस के बाहर अपियर होते हैं उन्हें दो जगह रिकॉर्ड किया जाता है एक तो ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट में इन दोनों में से किसी एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है एंड एक बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है व्हाई बिकॉज ऑफ द डूएल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपने डूएल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके कारण जो आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर अपियर होते हैं ठीक है ठीके? उन्हें हम दो जगह रिकॉर्ड करते हैं लास्ट लेक्चर में मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था जिसमें क्लोजिंग तो स्टॉक को क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी रिकॉर्ड किया था और क्लोजिंग स्टॉक इज द एसेट है तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट भी रिकॉर्ड किया जाता है तो अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर अपियर होता है तो इसको इन दो जगह पे रिकॉर्ड करते हैं एक, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे ध्यान में रखिएगा चलिए अगला पॉइंट बताती हूँ कि जितने भी आइटम है ठीक है देखिए लिखा है इट शुड बी डिटमाइंड वेदर आइटम ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस आर इनकम लाइबिलिटी और कैपिटल ये जो ट्रायल बैलेंस जो आप बनाते हैं उसके क्रेडिट साइड में ठीक है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जितने भी आइटम हैं वो या तो इनकम होंगे या लाइबिलिटी होगा या कैपिटल होगा ठीक है अगर वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है यानी मेन बिजनेस से रिलेटेड वो इनकम है तो आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बताइए अगर वो मेन बिजनेस से रिलेटेड इनकम है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और अगर वो अदर इनकम होती है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं पीएल अकाउंट ठीक है और अगर वो लाइबिलिटी है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ठीक है balance sheet, तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जो आइटम होंगे वो या तो इनकम होंगे या लाइबिलिटी होगा या कैपिटल होगा तो अगर इनकम डायरेक्ट इनकम है वैसे भी हम पढ़ चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट खर्चे डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड करते हैं और पीएल अकाउंट में इनडायरेक्ट खर्चे इनडायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड करते हैं तो अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट अदर इनकम है तो पीएल अकाउंट और अगर लाइबिलिटी या कैपिटल है तो बैलेंस शीट ठीक फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि वो आइटम डेबिट साइड ऑफ बैलेंस डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो आइटम है वो या तो डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे या इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे या एसेट होंगे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो आइटम होंगे वो या तो डायरेक्ट खर्चे होंगे या इनडायरेक्ट खर्चे होंगे या एसेट्स होंगे तो अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है और अगर एसेट्स हैं तो उन्हें एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है ठीक है तो इस तरीके से जितने भी आइटम है ट्रायल बैलेंस के उन सबको इन तीन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है तीन अकाउंट नहीं दो अकाउंट और एक स्टेटमेंट इनमें रिकॉर्ड किया जाता है ठीक है तो ये फिफ्थ और सिक्स पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान में रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं ये न्यूमेरिकल मुझे कराना है बट मैं सोच रही हूं कि ये जो न्यूमेरिकल है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराती हूँ क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ मिलते हैं हम अगले लेक्चर में जिसमें हम करेंगे ये न्यूमेरिकल जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दिस इज अ न्यूमेरिकल ऑन फाइनल अकाउंट जिसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट पी एल अकाउंट बैलेंस शीट बनाना है और ये ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया गया है ठीक है तो ये न्यूमेरिकल जो है ये मैं अगले लेक्चर में कराती हूँ ठीक तो चलिए थैंक यू सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में तब तक अपना ध्यान रखिए गॉड ब्लेस यू